हेलो गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम टू गेमिंग स्कैंडल। आज हम लोग खेलने वाले हैं ग्रैनी 3। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे मैं हॉरर गेम से आजकल डरता नहीं हूँ बिल्कुल। पहले मैं बहुत डरता था। डे वन शुरू हो गया हम लोगों का गाइस। हम लोग भी किसी कैद खाने में बंद है। हमें से बाहर निकलना है। Easy. गाइस कोई तो आ रहा है। ये स्लेंडरिना की बच्ची गायछा में मरा। अगर ग्रैंडपा ने मुझे देख लिया तो वो अंदर आ जाएंगे और मुझे मार देंगे। आई थिंक जा रहे हैं वापस। गाइस इससे पहले कोई आ जाए हमें इस गेट को खोलना है। खुल गया। ऊपर चल के देखते हैं ऊपर और क्या क्या है। गाइस स्लेंडरिना इस तरीके से बहुत परेशान करती है। इसमें हॉरर कुछ नहीं है बट ये साउंड इफेक्ट बहुत। गाइस कोई तो आ रहा है। किसी हमें देख लिया गाइस। हमें जल्दी से बैठना पड़ेगा इसके अंदर नहीं तो वो जिसने भी हमें देखा है ग्रैनी या ग्रैंडपा वो हमें आके मार देगा। आज दिन चला गया। ये स्लेंडरिना की बच्चे यार। गाइस कोई फिर से आ रहा है। भागो 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 भागो। गेट बंद हो। गाइस इस गेम को खेलने का मजा हेडफोन्स के साथ ही आता है।
जब आपको छोटी छोटी आवाज़ें सुनाई देती है ना, तब लगती है आपकी अच्छे वाली। उसने कहीं ना कहीं तो ट्रैप फेंक दिया, बट कहाँ फेंक, ओह शिट गाइस, मैं गया, कोई बचा ही नहीं सकता मेरे को, मैं गया। आई विश वो यहाँ पे ना आए, बस अगर आ गया तो मैं गया, मुझे गोली से उड़ाएगा ग्रैंडपा। कितना बदतमीज है यार, हंस रहा है। दोबारा चलते हैं गाइस एक बार देखने। गाइस मैं क्या, मैं इतना क्लोज होके बच रहा हूँ ना बार बार, शायद अब की बार नहीं बचूंगा। अरे गाना गा रहा है, सेकेंड डे स्टार्ट हो गया गाइस हमारा। ये एक तो गलत बात है कि दोबारा खोलना पड़ता है आपको इस गेट को, जब एक बार हमने खोल दिया है तो दोबारा इसको भी खोलना पड़ेगा शायद, बट बाद में ट्राई करेंगे। आवाज हो गई गाइस, आवाज हो गई। एक तो पता नहीं किस जमाने के दरवाजे लगाया हुआ, इतनी चढ़चर आवाज होती है ना गेटों में। ये मेरे पैर की आवाज है, कोई आ रहा है गाइस, कोई तो आ रहा है। मैचेस, बस यहाँ पे ग्रैनी ना हो गया। यार काश हमें बंदूक मिल जाए। लिफ्ट है इस घर की, जैसे हम लोग ऊपर या नीचे आ जा सकते हैं। ये इनका अपर ग्राउंड और ये फर्स्ट फ्लोर। ये स्लेंडरमैन की बच्ची ना इतनी, एन ओल्ड क्लिप। कहीं हमें प्लैंक मिल गया है, इसका कोई तो यूज होता है। लिफ्ट आजा, लिफ्ट आजा। घर में गया, मैं गया। भागो। थर्ड डे गाइस, दो दिन हमारे वेस्ट हो गए, मुझे लगा नहीं था इतना हार्ड हो गए। हमारा तीसरा दिन इस क्रीपी हॉन्टेड हाउस में दोबारा खोलना पड़ेगा, बिकॉज बदतमीजों ने फिर बंद कर दिया है। स्लेंडर की तो मुझे आदत हो गई है, बस यहाँ पे डर लगता है यहाँ से कोई आ ना रहा हो। एक तो आवाज इतनी भयानक करते ना कि गाइस, कोई तो आ रहा है, कोई आ रहा है। hmm.
हमारा प्लान यहीं पड़ा है, आई विश कोई होना है यहाँ पे। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। हमें लगा दिया गाइस इस प्लैंक को। गाइस तो बेसिकली हमें बहुत सारा सामान इकट्ठा करना है जिससे हम लोग एस्केप कर पाएंगे, तो मैं वही ढूंढ रहा हूँ। ये हमारा गेट का ओपन करने का वो है जिस गाइस किसी की शैडो दिखी मुझे, कोई आ चुका है ऊपर। इसके अंदर ना कहाँ से देखा है ऐसा गाइस हमें, ओ हमें एक गेट का मिल गया है। ये गेट पे लगता है जो मेन एंट्रेंस है जहाँ पे, उसमें हमें इसे लगाना पड़ेगा। इसे मैं जल्दी से नीचे फेंक देता हूँ ताकि मैं लिफ्ट के रास्ते से, मैं लिफ्ट के रास्ते से इसको लेके नीचे निकल जाऊँगा। एक तो उनकी साउंड्स इतनी गंदी है ना, ये देख। ओ नीचे खड़ा, मैं गया। आई थिंक लास्ट है। गाइस 4 डे हो गए, तो यानी कि इसके बाद एक और दिन और मिलेगा हमें। उसके बाद कोई ट्राई करता है। ये स्लेंडर तो कई बार फनी लगती है मेरे को, बस इसकी साउंड्स बहुत तेज होती है जिससे बंदा एकदम से शॉक्ड हो जाता है। इस गाड़ी में कुछ नहीं है। पत्थर, गाड़ी साइड में जो अभी तो धुआं देख रहे हैं, इसके अंदर मगरमच्छ है। ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है, यार नीचे तो कुछ नहीं है, वो ऊपर ही चलते हैं क्योंकि नीचे कोई आ भी रहा है। आई थिंक कोई आ रहा है नीचे हमें। हम एक काम करते हैं, नीचे बुलाते हैं और सीधा ऊपर चलते हैं, ऊपर के फ्लोर्स पे चेक करने के लिए। नहीं आया कोई, दोबारा करते हैं। भाई तो आवाज हो गई है, बस कोई बाहर ना हो। वेपन की गाइस में पैडलॉक की मिल गई है, ऊपर बुला लेते हैं। हम लोग नीचे चलते, ये लोग ऊपर आएंगे और हम लोग नीचे भाग जाएंगे। पैडलॉक की आई थिंक गैराज के अंदर लगती है, जो गैराज हम लोगों ने अभी जहाँ पे हम खड़े थे।
कहीं तुम्हें टैडी मिल गया है, बट टैडी को हम लोग बाद में उठाएंगे क्योंकि टैडी को उठाते ही ग्रैनी और ग्रैंडपा एकदम से आपके पीछे पीछे भागे भागे आते हैं, तो अभी हम लोग नहीं उठाएंगे टैडी को। अभी सीधा हम लोग नीचे चलते हैं, नीचे चल के इस की का यूज़ करके इसे फेंक देते हैं क्योंकि हम लोग एक टाइम पे एक ही सामान उठा सकते हैं। हमारा प्लान यहीं पड़ा है, अभी होपफुली वो लोग ऊपर चले गए होंगे दोनों। देखो कहाँ ट्रैप फेंक, ओ ये यहीं घूम रहा है बुढ़ा। आवाज सुनते एकदम भाग के आ गए, देख लिया। अब लोग ऊपर चलते हैं, मैं तो इस फ्लोर पे निकलना था ताकि मैं टेडी को उठा लेता, बट आई थिंक हमें ऊपर से कूदना पड़ेगा। हम टेडी को उठा के ऊपर रख देते हैं ताकि स्लेंडरीना का काम खत्म। ओ बस कोई आना जाएगा इसे। अबे यार मैं नीचे कूद गया हूँ यार, शिट मैं गया। लिफ्ट ने आगे ऊपर से मुझे कर दिया, क्रैश क्रैश क्रैश। गाइस लास्ट है, ये स्लेंडरीना का चैप्टर ही क्लोज कर देता है। हम जैसे टेडी बियर उसमें रखेंगे इसके झूले में, तो शायद कोई भी नहीं है। चलते हैं गाइस अंदर और टेडी बियर को पहले सबसे पहले रख के आते हैं अंदर। टेडी को उठाते ही वो लोग आपके पीछे पीछे आने लगते हैं। ग्रैंडफादर ग्रैंडपा ग्रैंडपा और ग्रैंडमा। एक बेस्ट चीज़ है कि वो इस फ्लोर पे नहीं आ पाते हैं दोनों के दोनों। फाइनली अभी हमें एक चीज़ लेके जाएगी कुछ ना कुछ जो हमारे काम आएगी इस घर में एस्केप करने में। यस ने दिया गाइस, हमें सेफ की मिल गई है जिसके अंदर हमें क्या बोलते हैं उसे, मैं भूल रहा हूँ, जिसमें हम स्टोन लगा के ग्रैनी और ग्रैंडपा को मार सकते हैं कुछ टाइम के लिए। गया मैं गया। अगर वो यहाँ पे आया तो मैं गया। गाइस मैं इसको नीचे फेंक रहा हूँ ताकि ये लोग नीचे चले जाएंगे, फिर मैं अपना काम आराम से कर सकता हूँ। आई थिंक इतने शोर में वो लोग आ जाएंगे नीचे। एक बार फेंक देता है, आ गए। भागो 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 ऊपर। अब लोगों को जल्दी से सेफ की उठानी है और सेफ को खोलना है जिसमें से हमें शायद क्रॉसबो मिलेगा। हमें नारियल मिला है इसमें। ऊपर आ गया ग्रेनी एंड ग्रैंडपा ताकि मैं नीचे जा सकूं। गाइस हम लोगों को इस नारियल को जो गैरेज के पास में एक मशीन सी रखी हुई है उसमें रखे हमें इसे तोड़ना है, जिसमें से हमें एक सामान मिलेगा जो हमारे एस्केप करने में यूज़फुल होगा।
आई थिंक ग्रैनी और ग्रैंडपा ऊपर पहुंच गए होंगे अब तक, और हम लोग हमारा काम तसल्ली से कर पाएंगे। गाइस हमें वेपन की मिल गई। ओके वो वेपन की होती है, शायद मैंने गलत बोल दिया, हमें वेपन की में वो मिलेगा क्रोसबो, जिससे हम लोग ग्रैनी और ग्रैंडपा को कुछ टाइम के लिए सुला सकते हैं, बेहोश कर सकते हैं। और वो इस फ्लोर पे जहाँ पे ग्रैंडपा है उसके बेडरूम के अंदर, बस वो लोग इस फ्लोर पे हो ना। ओके स्लिंग शॉट मिल गया है हमें, जो थोड़ा थोड़ा क्रॉसबो जैसा है। अभी कोई आ गया ना गाइस, बस मैं एक बार दो स्टोन उठा लूँ, उसके बाद में जो है नीचे भी आ जाएंगे ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ना स्टोन ढूंढ गे रहा स्टोन एक तो। अब आ जाओ बेटे तुम, ग्रैंडपा की तो सीधा गर्दन पे दूंगा मैं। नेक शॉट, अब आ जाओ बेटा तुम, बस मुझे मेरा निशाना आ गए, ग्रैनी आ गई है गाइस। मैं ग्रैंडपा को भी बुला लेता हूँ क्योंकि इनका टाइम शुरू हो जाता है, तो दोनों को साथ मारूंगा। ग्रैंडपा और आ गया गाइस, आ गया गाइस, आ गया। गाइस हमें शॉटगन मिल गई है, अब तुम ग्रैनी को उड़ा डालेंगे। आ गई ग्रैनी, इसकी खोपड़ी फोड़वाना। 2 minutes and 30 seconds के लिए ग्रैनी एंड ग्रैंडपा हैज गॉन गाइस। हम लोगों के पास अब टाइम ही टाइम है, अब हम लोग जल्दी जल्दी से अपना काम कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को उस मशीन को चलाना है, ये जो मशीन आप देख पा रहे हो, और इसके लिए हमें सामान इकट्ठा करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें ऊपर भी चेक करके आना पड़ेगा। गाइस ओके ये हम लोगों की आई थिंक शर्ट की, ये कहाँ लगेगा क्योंकि गैरेज तो हमने खोल दिया है। ओके मैं समझ गया हूँ गाइस, ये शेड की लगेगी उसके अंदर, जहाँ हम लोगों को बंद किया हुआ था ग्रैनी एंड ग्रैंडपा ने, वहाँ पे एक रूम है जिसके अंदर हमको वास रखने पड़ते हैं दो। अबे यार मैंने शॉटगन वेस्ट कर दी, हम लोगों को ये इस की से उसको खोलना पड़ेगा, उसमें से भी एक सामान निकलता है जो हमारे काम आएगा। मैं जल्दी से पहले इस गेट को खोल देता हूँ, मेन डोर को।
शायद मुझे जल्दी से इसे खोलना पड़ेगा। मैं पहले इसको खोल देता हूँ। गाइज़ फ्यूज़ उस मशीन में लगेगा जो हम लोगों ने भी मशीन देखी थी जहाँ से गेट खुलेगा, ये फ्यूज़ उसमें लगेगा। ग्रैनी एंड ग्रैंडपा उठना गए हूँ बस। आई थिंक वो दोनों उठ गए होंगे या उठने वाले होंगे। तो मैं इसको ही तो आ रहा है। अगर ये लोग उठ गए तो ये जरूर आएंगे नीचे। हमने ग्रैनी को टपका दिया है गाइस। ग्रैंडपा और राजा जल्दी से, इनको साथ में मारने का ये फ़ायदा होता है कि दोनों एक साथ उठते हैं तो हमें पता रहता है कौन कितनी देर के लिए गया है। अदरवाइज यही होता है कि एक उठता है और एक जाग जाता है, मतलब एक उठता है और एक सो जाता है या फिर उल्टा। ग्रैनी गायब हो गया आई थिंक। ग्रैंडपा नहीं दिख रहा है मैं गाइस, जिसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। 30 सेकंड तो ऑलरेडी वेस्ट हो चुके होंगे हमारे। यार ये जल्दी से आ जाए ग्रैंडपा। वो जितनी देर में उठेगा, वो जितनी देर में आएगा उतनी देर में ग्रैनी उठ जाएगी। यार मैं क्या बोल रहा हूँ, जितनी देर में ग्रैनी सोएगी मैं पागल हो गया हूँ। अबे हमारी गन कहाँ चली गई? अबे हमारी गन गायब हो गई गाइस। आई थिंक ग्रैंडपा उठ गया, उसने हमारी गन ले ली है शायद। अगर वो गलती से आगे ना मेरे सामने तो मैं गया। नो इलेक्ट्रिसिटी, आवाज तो आ रही है।
यार इस जगह पे आने पे मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई आ रहा होता है और दिखता नहीं है। अभी मैं गया था यार। ग्रैंडपा चला गया, बस एक ग्रैनी और मर गया यार एक बार कुछ टाइम के लिए। कितने देर में वो आएगी, कितने देर में हम इसे लगा देते हैं। आई थिंक उसका टाइम लगेगा आने में ग्रैनी को। हमें इसको लगाना है ताकि ये जो पुल बना हुआ है नीचे आ जाएगा। हम दो पत्थर उठा लेते हैं। गाइस हमारी शॉटगन मिल गई हमें। ग्रैंड नीचे आ रही है शायद। ओके ग्रैनी और ग्रैंडपा चले गए गाइस, उन्हें मारा शायद लास्ट है ये टास्क, ये जो भी टास्क है। हाँ हमें अभी एक वायर चाहिए बस, और हमने पूरा घर ऑलमोस्ट सर्च कर लिया है, हमें कहीं नहीं मिला है, तो होपफुली वो इसी के अंदर होना चाहिए। अरे खाली है। ओके हमें इस दोनों जगह पे भी वास भी रखने हैं पानी भर के, जो वास ऊपर के फ्लोर पे है सबसे ऊपर, एंड हमारा एस्केप पूरा हो जाएगा गाइस अगर हम लोगों ने कर लिया इसे, तो हम लोग इजीली एस्केप हो जाएंगे यार। नहीं खुलेगा यार ये गेट। तो गाइस हम लोगों को एक वायर चाहिए जो उस गैरेज में लगेगा, और जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और वो सीधा ऊपर वाले फ्लोर पे जाएगी। ऊपर वाले फ्लोर से हम लोग बटन प्रेस करेंगे जिससे ये गेट का लॉक खुल जाएगा। हमें बस इसके लिए अभी वायर चाहिए। आई कांट स्टार्ट द जनरेटर येट। गाइस आई विश वायर उसी के अंदर हो, अगर उसके अंदर नहीं हुई तो शायद हम लोग ना कर पाए इस घर से एस्केप। आई थिंक अभी वो उठने वाले होंगे थोड़ी देर में। वायर मिल जाए बस एक बार। करना पड़ेगा हमें दोनों वास में पानी भर के हमें इसमें रखना पड़ेगा उसके अंदर। आई थिंक वहीं वायर मिलेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस घर में कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहाँ पे मैंने सर्च नहीं किया है वायर के लिए। मैं काम करता हूँ शॉटगन को यहीं फेंक देता हूँ इसी रूम में, और इस रूम में से आके ले जाऊँगा दोबारा। दूसरा आवाज कहाँ गया यार। आई थिंक वो नीचे आ रहा है। आई थिंक वो दोनों उठ चुके हैं गाइस।
हमें इसमें पानी भरना पड़ेगा, वो पानी किचन में रखा हुआ है। बस हमें इसको गिराना नहीं है, अगर गलती से भी कोई सामने आ गया ना तो कोई नहीं बचा सकता हमें इस टास्क को पूरा करने से। किसने देख लिया गाइस? आ रहा है जा रहा है यार, आई थिंक गया। गाइस हमें एक और रखना पड़ेगा यहाँ पे। ओके वो घूम रहा है। ये अपनी शॉटगन ढूंढ रहा है क्योंकि इसकी शॉटगन मेरे पास है। मुझे बस एक ओ गया मैं गया मैं गया मैं गया मैं गया, मैं गया, मैं गया। गाइस इसे कहते हैं बाल बाल बचना, बाल बाल। ग्रैनी ने हमारे लिए ट्रैप फेंक दिया है। बस मैं एक बार और टपका दूँ ना इन दोनों को तो बस मेरा काम हो जाएगा। मुझे कैसे भी करके शॉटगन के पास पहुँचना पड़ेगा गाइस। अभी तो मैं गया था यार। इसमें शॉटगन ही नहीं है यार। अब शॉटगन लेने जाना पड़ेगा। और बुढ़िया आ गई गाइस, बुढ़िया टपक चुकी है। बुढ़ा गया तो भी आ बुढ़ा कहाँ गया बुढ़ा?
जब बुलाओ तब नहीं आते हैं ये लोग। चीप पीपल। बुढ़ा कहाँ गया? एक बार ही मिल जाए बस। गाइस हमारे पास पूरे 2 मिनट हैं, 2 मिनट के अंदर मैं आराम से यहां से स्केप कर जाऊंगा। बस मेरे को मेरा वास मिल जाए दूसरे वाला। मैंने अपनी गन को यहीं छोड़ दिया है, मैं अपने वास को पहले रखे आता हूँ फिर आके ले जाऊंगा यहाँ से। बस गायब ना हो जाए दोबारा यार। मिल गया गाइस हमें वास हमारा सेकंड बी। अब बस जल्दी से जाना है, इसमें पानी भरना है और उस पानी भर के वहाँ रख देना है एंड होपफुली वहाँ से हमें बस वायर मिल जाएगी, क्योंकि उसके अलावा घर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मैंने ना ढूंढा। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। हम इस वास को खाली फेंक सकते हैं, बस पानी भरने के बाद अगर अगर गलती से भी गिर गया ना तो ब्रेक हो जाएगा और फिर आप इसे एस्केप ही नहीं कर सकते उस घर को। बस इसमें वायर निकल जाए प्लीज प्लीज प्लीज, वायर निकल जाए प्लीज 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 प्लीज। गाइस हमारी वायर निकल गई इसमें जनरेटर केबल। जल्दी से भागो, जल्दी से भागो, जल्दी से भागो। इससे पहले वो दोनों उड़ जाए हम लोगों को वहाँ ऊपर का स्विच भी दबा के आना है, जिसमें शायद थोड़ा टाइम लगेगा। बस बस ऊपर जाके बटन दबा के नीचे पहुँच जाऊँ बस कैसे भी करके यार। गाइस करंट पास हो गया है, अब हमें बस उसे दबा के आना है। मैं ये ले चलता हूँ क्योंकि शॉटगन को मैंने फेंक दिया कहीं पे, मेरे को याद नहीं मैंने कहाँ फेंक दिया बड़ी में। अच्छा मैं लिफ्ट में तो फेंका है, ओके मैं लिफ्ट में फेंका है ठीक है। कमन 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 जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी चल, इससे पहले वोट जाए दोनों। शायद वोट गए दोनों, मेरी बंदूक भी नीचे चले गए यार। अगर मैं इस मोमेंट पर हारा ना मैं इस गेम को खेलना बंद कर दूंगा यार। बुड्ढे की गर्दन गई तड़क, बढ़िया तो भैया बुढ़िया की गर्दन भी गई तड़क। गाइस अब हमें एस्केप होने से कोई नहीं रोक सकता, ना ग्रैनी ना ग्रैंडपा। गेट खुल चुका है गाइस, भाग लो जल्दी से भागो 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 भागो। बस और कुछ ना रह गया, वैसे लगता तो नहीं है हमें सब कुछ कर दिया है। बाय ग्रैनी बाय ग्रैंडपा। ये फाइनली हम लोगों ने कर दिया है इस गेम को पूरा, हमने एस्केप कर लिया है फाइनली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट, ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।